हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे वैदिक एज पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो वैदिक एज एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। और इसमें मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हैं। और ये जो चैप्टर है, एक्चुअली बुक पे उसका नाम लिखा हुआ है, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, जो कि एक्चुअली वैदिक एज पे डिपेंडेंट चैप्टर है। तो हम इसके सारे ही एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। द वैदिक एज लास्टेड रफली फ्रॉम, वैदिक एज कब से लेकर कब तक था? तो ये हमारे फोर ऑप्शंस हैं। तो जैसा कि आपको इसका आंसर पता होगा, इसका आंसर है आंसर 3, 1500 BCE से लेके 600 BCE तक वैदिक एज था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं और सारे ही एग्जाम्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिड नॉट फ्लो थ्रू द सप्त सिंधु रीजन? इनमें से कौन सी नदी सप्त सिंधु रीजन पर नहीं बहती थी? फर्स्ट इज इंडस, सेकेंड इज गंगा, थर्ड इज सतलुज एंड फोर्थ इज सरस्वती। तो जो सप्त सिंधु थी उसमें रिवर गंगा नहीं बहती थी, तो सप्त सिंधु रिवर्स में ये नहीं इंक्लूड होती। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड वेदा मीन्स। अब जैसा कि चैप्टर ही वैदिक एज पे है, तो पहले हमें वेद का मीनिंग पता होना चाहिए। वेदा का मतलब क्या होता है? इज इट नॉलेज, पीरियड, हिम्स या सॉन्ग्स? तो वेदा का मीनिंग होता है नॉलेज, तो इसका आंसर 1 हुआ। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द आर्यंस फर्स्ट सेटल इन इंडिया? आर्यंस भारत में कहाँ पर सेटल हुए थे सबसे पहले? अराउंड द रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, इन द इंडो गैंगेटिक रीजन, इन द हिमालयास और नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले जो आर्यंस थे वो इंडस रिवर और उसके आसपास के इलाकों में बसे थे, और लेटर वैदिक पीरियड में वो इंडो गैंगेटिक रीजन पे बढ़े थे। तो जो वैदिक लिटरेचर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज या सबसे पहले सेटलमेंट के लिए इसका आंसर होगा फर्स्ट, अराउंड द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। और लेटर वैदिक एज में वो इंडो गैंगेटिक रीजन पर सेटल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, द आर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल ट्राइब्स कॉल्ड। आर्यंस की जो सोसाइटी थी वो छोटे छोटे ट्राइब्स या कबीलों में डिवाइडेड थी, तो उन ट्राइब्स को क्या कहते थे? ग्राम, सभा, विश और जनाज या समिति? तो इसका आंसर है विश और जनाज। तो आर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल ट्राइब्स कॉल्ड विश और जनाज। क्वेश्चन नंबर 6, द एपिक्स डैश एंड डैश वर रिटन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से दो एपिक वैदिक पीरियड के दौरान लिखे गए थे? तो वो दो एपिक थे रामायणा एंड महाभारता। क्वेश्चन नंबर 7, इन द वैदिक पीरियड घोगना रिफर्ड टू। वैदिक पीरियड में घोगना का मतलब क्या होता है? वन हु गिफ्ट्स कैटल, जो कैटल को गिफ्ट करते हैं। वन हु स्लॉटर्स कैटल, जो कैटल को मारते हैं। अ गेस्ट, द ब्राइड ग्रूम। तो इसका आंसर है द, इन वैदिक पीरियड घोगना रिफर्स टू गेस्ट। क्वेश्चन 8, रिगार्डिंग द अर्ली वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट? अर्ली वैदिक पीरियड की रिगार्ड में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द पुरोहिता और प्रीस्ट हैड नो स्पेशल प्लेस इन द सोसाइटी। पुरोहित और प्रीस्ट का कोई स्पेशल प्लेस नहीं था सोसाइटी में। सभा एंड समिति हैड नो पावर इन द सिलेक्शन ऑफ राजा। सभा और समिति को कोई हक नहीं था राजा के सिलेक्शन में। रिलीजन वॉज नॉट बेस्ड ऑन मैजिक और रिचुअल फॉर्मूला। रिलीजन जो कास्ट वगैरह थी, धर्म था, वो मैजिकल रिचुअल फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं था। गॉड्स वर वर्शिप्ड फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल। गॉड्स को इसलिए पूजा जाता था ताकि लोगों का स्पिरिचुअल, मानसिक जो शांति है वो बनी रहे, उनकी मनोदशा बढ़ती रहे। तो इसका आंसर है सी, रिलीजन वॉज नॉट बेस्ड ऑन मैजिकल रिचुअल फॉर्मूला। जो रिलीजन था वो मैजिको रिचुअल फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं था, और ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द अथर्व वेद इन्फॉर्म अस अबाउट। अथर्व वेद हमें किसकी जानकारी देता है? द फोक ट्रेडिशंस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, द एलाइड ट्रेडिशंस ऑफ लेटर वैदिक सोसाइटी, द सोशियो रिलीजियस कंडीशंस ऑफ कॉमन पीपल ऑफ द वैदिक सोसाइटी। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो ये तीन ऑप्शंस हैं जो हमें अथर्व वेद के बारे में बताते हैं। इनमें से अब जो नीचे कोड से हमें सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन कॉम्बिनेशन ठीक है।
तो एक से ज़्यादा जो पॉइंट्स है वो भी करेक्ट हो सकते हैं। तो आंसर डी 1 एंड 3, फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही आंसर है। तो द फोक ट्रेडिशंस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड एंड द सोशियो रिलीजियस कंडीशंस ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द वैदिक सोसाइटी के बारे में हमें किससे पता चलता है? अथर्ववेद से पता चलता है। क्वेश्चन 10, द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ, ऋग्वेद में कितने हिम्स होते हैं? 1028, 1000, 2028 या 1038? तो ऋग्वेद में 1028 हिम्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 11, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। ट्राइब वॉज द ओनली ऑर्गेनाइजिंग बेसिस फॉर द सोसाइटी। लैंड बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट एंड ट्राइब ओनरशिप ऑफ लैंड ग्रेजुअली चेंज टू फैमिली ओनरशिप। पीपल मैरिड आउटसाइड देयर गोत्र। सभा बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन समिति। तो इसमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ट्राइब वॉज द ओनली बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी, और बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू द आर्यंस ओरिजिनली केम फ्रॉम। तो हिस्टोरियंस के व्यू में जो आर्यंस हैं वो बेसिकली इंडिया में कहाँ से आए थे? केम फ्रॉम इंडिया, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल यूरोप और स्टेपीज ऑफ रशिया। तो इसका आंसर है सेंट्रल एशिया। तो जो आर्यंस थे वो बेसिकली सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। क्वेश्चन नंबर 13, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड व्हाट मे नॉट बी ट्रू। लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड इनमें से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है? मिक्स्ड फार्मिंग विच इंक्लूडेड कल्टिवेशन एंड हर्डिंग वर द मेन सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ सभा एंड समिति डिक्लाइंड। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्रीफाइसेस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट वैदिक एंड अर्ली वैदिक गॉड्स वर डिफरेंट। तो इसमें बोला है कि जो मिक्स्ड फार्मिंग है जिसमें कल्टीवेशन और हर्डिंग इंक्लूड होता था वो मेन सब्सिस्टेंस एक्टिविटी थी, मतलब उसी पे उनका जीवन बेस्ड था। द इम्पॉर्टेंस ऑफ सभा एंड समिति डिक्लाइंड। सभा और समिति का इम्पॉर्टेंस कम हो गया था। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्रीफाइसेस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेक्रीफाइसेस थे, एनिमल सेक्रीफाइसेस, वो बहुत बढ़ गए थे। द इम्पॉर्टेंट वैदिक एंड अर्ली वैदिक गॉड्स वर डिफरेंट। इम्पॉर्टेंट वैदिक और बाद में जो वैदिक गॉड आए वो डिफरेंट थे। तो बताना इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो जो बी है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि सभा और समिति की इम्पोर्टेंस हमेशा से ही बरकरार थी, और बाकी जो सारे स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदाज वॉज कंपाइल्ड फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा वेदा कंपाइल हुआ था, या सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो आंसर इज ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और इसमें कितने हिम्स हैं? 1028 हिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विद रिगार्ड्स टू द प्राइमरी स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म द वेदाज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। प्राइमरी स्क्रिप्चर जो कि हिंदुओं का प्राइमरी स्क्रिप्चर जो पहला वेद है, मतलब वेदाज से ही हमें हिंदू धर्म के बारे में कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट वेदाज से रिलेटेड ट्रू नहीं है? दे आर रिवर्ड एज अ पौरिशेया मीनिंग नॉट ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। उसे माना जाता है कि वो ह्यूमन ओरिजिन नहीं है, उसे ह्यूमन्स ने नहीं लिखा है। दे आर इनफेलिबल, उसमें कोई भी गलती नहीं है। द वेदाज इनश्राइन द नॉलेज बिलीव टू हैव रिवील्ड टू सर्टेन ऋषिज बाय ब्राह्मण। तो जो वेदाज है उसमें जितनी भी नॉलेज है वो ऋषियों द्वारा लिखी गई है, ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई है। दे आर रिफर्ड टू एज श्रुति बिकॉज द ऋषिज हर्ड द वेदाज। उन्हें श्रुति कहा जाता है क्योंकि ऋषियों ने पहले वेदों को सुना था और उसके बाद उसे लिखा था। तो हमारा आंसर है बी, दे आर इनफेलिबल। ऐसा कोई भी लिटरेचर नहीं है जिसमें कोई मिस्टेक ना हो, तो इसलिए इसका आंसर बी हुआ। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदाज डील्स विद मैजिक स्पेल्स एंड विच क्राफ्ट। तो हमने फोर वेदाज पढ़े, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इनमें से कौन से वेद के अंदर मैजिक स्पेल्स और विच क्राफ्ट के बारे में लिखा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो आंसर इज अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 17, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट दोज दैट मे नॉट बी ट्रू। लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड स्टेटमेंट्स आएंगी और हमें वो सिलेक्ट करनी है जो सही नहीं है। इट कैन नॉट बी सेड दैट वैदिक सोसाइटी शिफ्टेड टू ईस्ट।
The Vedic society used iron technology mostly for weapons of war. In agriculture, only labor intensive technology was used. People married outside their gotra. तो ये हमने पीछे देखा था कि उस टाइम लोग अपने गोत्र से आगे शादी करते थे. और जो शिफ्ट हुआ था वैदिक सोसाइटी का, वो ईस्ट की तरफ नहीं हुआ था. द वैदिक सोसाइटी यूज्ड आयरन टेक्नोलॉजी, वो आयरन टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे उस टाइम अपने वेपन्स बनाने के लिए. एग्रीकल्चर ओनली लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड, ये गलत है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे जिससे वो बहुत अच्छा एग्रीकल्चर करते थे. तो हमारा जो ऑप्शन है आंसर सी, ओनली थर्ड इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, बाकी सारे ऑप्शंस सही हैं. क्वेश्चन नंबर 18, द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ. लेटर वैदिक एज को किस चीज़ का कंपाइलेशन कहा जा सकता है? समेताज, ब्राह्मणाज, अरण्यकाज या ऑल ऑफ द अबव. तो सारे ही के सारे ही आंसर्स ठीक हैं. लेटर वैदिक एज में इन सबको कंपाइल किया गया था. क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक टेक्स्ट मेंशंस व्रीहि, तांडुल एंड सली विच रिफर टू. ये तीनों वर्ड जो वैदिक टेक्स्ट में दिखते हैं ये एक्चुअली किसे डिपिक्ट करते हैं, किस चीज़ को डिनोट करते हैं? दीट, बार्ले, राइस या ग्राम. तो ये तीनों नाम राइस के हैं, चावल के. क्वेश्चन नंबर 20, द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द रीजन ऑफ. जो वैदिक आर्यंस थे वो सबसे पहले किस रीजन में आकर बसे थे? तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा कि सप्त सिंधु जो रीजन था वहाँ पे वैदिक आर्यंस आकर बसे थे. तो आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र. फेमस गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, वारुणा, पाशुपति या सविता. तो आंसर इज ऋग. क्वेश्चन नंबर 22, द टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड वर. वैदिक पीरियड की दो पॉपुलर असेंबली कौन सी थी? तो ये हम पीछे देख चुके हैं, सभा और समिति वैदिक पीरियड की सबसे पॉपुलर असेंबली. क्वेश्चन नंबर 23, एसेस इफ द वैदिक नेम्स ऑफ द रिवर्स आर करेक्टली गिवन. हमें बताना है कि इन रिवर्स का नाम वैदिक लिटरेचर में क्या यही था. तो सारे ही ऑप्शंस ठीक हैं. आरजी किया ब्यास नदी को कहते थे, पारुष्णी रावी नदी, आसिकनी चेनाब एंड वितास्ता झेलम. क्वेश्चन नंबर 24, द वैदिक इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन. वैदिक इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी? ट्रेड एंड कॉमर्स, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग, ऑल ऑफ द अबव. तो उस टाइम की जो इकोनॉमी थी वो बेस्ड थी एक्चुअली एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग पे. क्वेश्चन नंबर 25, दिस वैदिक गॉड वॉज द ब्रेकर्स ऑफ द फोर्ट्स एंड ऑल्सो वॉज वॉर गॉड. वॉर गॉड किसे कहते थे वैदिक लिटरेचर में? इंद्र, यम, मारुत और वरुण. तो आंसर है इंद्र. क्वेश्चन नंबर 26, डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू फोर क्लासेस इज क्लियरली मेंशनड इन. वैदिक सोसाइटी का डिवीजन चार क्लासेस में किसने मेंशन किया गया है? यजुर्वेद, पुरुषुक्ता ऑफ ऋग्वेद, उपनिषद, सात पथ ब्राह्मण. तो आंसर इज पुरुषुक्ता ऑफ ऋग्वेद. ऋग्वेद में उसके भी किस पार्ट में? पुरुषुक्ता में वैदिक सोसाइटी के चार क्लासेस के बारे में क्लियरली मेंशन किया गया. क्वेश्चन 27, टू हाईएस्ट गॉड्स इन वैदिक रिलीजन वर. दो हाईएस्ट गॉड कौन से थे वैदिक रिलीजन में? अग्नि सावित्री, विष्णु मित्र, इंद्र एंड वरुण, सूर्य एंड पुषाण. तो आंसर इज इंद्र एंड वरुण वर द हाईएस्ट गॉड्स इन वैदिक रिलीजन. अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें.